चलिए फिर, वॉइस वीडियो स्क्रीन सबको क्लियर है? यस और नो? वॉइस वीडियो स्क्रीन सबको क्लियर है? यस और नो? यस ओके ओके यस ओके, ठीक है। काफ़ी आगे निकल चुके हैं हम लोग। हमारा यहाँ पे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल और रिडक्शन, अभी हम जिस मेथड पे चल रहे हैं उस मेथड से सेक्शन डी में एक क्वेश्चन पक्का होता है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। तो इसकी एग्ज़ाम वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है एग्ज़ाम वैल्यू, हाई एग्ज़ाम वैल्यू मेथड इन बोर्ड एग्ज़ाम। इससे आपको मतलब 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा सेक्शन डी के अंदर, 4 या 5 मार्क्स के लिए। कोई बात नई नहीं है, ये बहुत ही मतलब इजी मेथड है। आपको इस मेथड को सॉल्व करने के लिए आपने जो पहले मेथड पढ़ी है उनका हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है? आपने जो पहले मेथड पढ़ी है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, आप इनका यूज़ ले सकते हो, इनका यूज़ कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। कैसे? बारी बारी से मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़ें, टाइम बचा तो हम बच्चों के साथ डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक? ठीक है, आपको सिर्फ पहले 20 मिनट्स देखना है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है और समझना है कि क्या हो रहा है। चलिए, यहाँ पे अभी अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे ना, उसमें आपको एक लीनियर फॉर्मेट मिला हुआ था, A1 A2 B1 B2 ऐसे फॉर्मेट मिला हुआ था। इसमें आपको फॉर्मेट मिलेगा नहीं और आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। कैसे? जैसे यहाँ पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको है ना इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन देखने को मिलेंगे, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे है ना फ्रैक्शन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, और आपको फ्रैक्शन के बाद है ना क्वेश्चन को प्रॉपर एक फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ेगा। जैसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्वेश्चन हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्मेट में मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 बाय x प्लस 3 बाय y इज इक्वल टू 10, और दूसरा क्वेश्चन है 3 बाय x प्लस 4 बाय y इज इक्वल टू 20। अब देखो जो रूल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल हैं, आपने आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल उसमें ऐसा बताया गया है कि कभी भी है ना वेरिएबल्स, ध्यान से सुनना, कभी भी है ना वेरिएबल्स होते हैं ना वो डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ पे कोई नंबर लिख लिया मैंने 5 4 5 ऐसे, और आपका एक्स या फिर ऐसे लिख लिया आपने 5 बाई जेड, तो वेरिएबल कभी भी है ना नीचे नहीं आ सकते, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल कभी लाई नहीं करेगा, डिनोमिनेटर में वेरिएबल कभी भी नहीं आ सकता। ये आपने क्लास 9 में जब पॉलिनोमियल पढ़ा था उसमें भी लिखा हुआ था कि वेरिएबल की है ना पावर कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, ये 4 बाय x है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 बाय x है, 4 बाय x लिखा मैंने यहाँ पे, तो मैं इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ 4x रेज टू -1। जैसे आपने वो जैसे मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो उसमें आपने देखा था कि उसकी यूनिट थी ना वो इस तरीके से थी, मीटर पर सेकेंड -2, इस तरीके से यूनिट थी, ठीक है? जैसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, एक्स की पावर, एक्स के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, जब ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर उसकी कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल के रूल्स क्या बताते हैं कि वेरिएबल्स की पावर है ना कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, ये उसके रूल्स हैं, ठीक है? बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वेरिएबल्स नीचे आ रहे हैं, ठीक है? तो कंसेप्ट के हिसाब से जाएंगे तो ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा हम बोल सकते हैं, बट ये क्वेश्चन गलत नहीं है, हमें तो इसको कैसे भी करके सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है,
इसके लिए हम कौन से मेथड यूज करेंगे? रिडक्शन मेथड यूज करेंगे, रिडक्शन मेथड यूज करेंगे। अब क्या एक मतलब एक स्टेप नया है इस मेथड के अंदर, बाकी सब आपने पढ़ा हुआ है। एक स्टेप आपको नया करना है, आपको थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर देना है। कैसे? मैं आपको, मैं देखो लिख के बता रहा हूँ कैसे लिखना है आपको। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टू लिख दिया और ये वन बाय एक्स को बाजू में कर दिया, प्लस यहाँ पे थ्री लिख दिया और वन बाय वाई को बाजू में कर दिया, इज इक्वल टू टेन। ऐसा हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ यहाँ पे थ्री बाय टू, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थ्री इंटू वन बाई टू। इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम डाउट नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, डिनोमिनेटर को इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हो आप। तो मैंने वही किया, ठीक है, और यहाँ पे थ्री इंटू वन बाय एक्स कर दिया मैंने, प्लस फोर इंटू वन बाय वाई कर दिया। बस ये स्टेप नया है, ये आपने ऐसे लिख दिया। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा एजम्पशन लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि मान लिया इसको हम m मान रहे हैं, इसको हम m मान रहे हैं और इसको हम n मानेंगे, इसको भी हम क्या मानेंगे, m मानेंगे और इसको भी हम n मानेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा, 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 10। और ये क्वेश्चन कैसे हो गया, 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपने मतलब काफी सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिनको आप चाहो तो ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। ये इक्वेशन नंबर वन हो गई और ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। ठीक है, मैं हमेशा एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करता हूँ सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड ही लगाऊंगा। देखो अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई है, 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे आ गया है 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 20। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन नंबर वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है। अब मुझे प्रियांशी बताएगी, प्रियांशी किसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड लगानी है तो? इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? बताओ क्या क्या हटा दे, यहां से m हटा दे या n हटा दे? n n को हटाना है तो किसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, कौन सी इक्वेशन को किससे? सर आप समझ, मुझे इनको हटाना है। ठीक है, यही काम करते हैं, चलो m को हटा लेते हैं। यहाँ पे हम m को हटाना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों की साइड m है उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो क्या कर रहा हूं मैं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, 6m प्लस 9n इज इक्वल टू 10। और आप इस पूरी इक्वेशन को 13 ना सर? हाँ 13। और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 6m प्लस 8n इज इक्वल टू 14।
यहाँ पे कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं हम? एलिमिनेशन। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस 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 और ये प्लस, बाहर से आप माइनस कराओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये गया 6m, 6m कट हो गया। 9 में से 8 निकालोगे तो सिर्फ n बचेगा, और यहाँ पे 30 में से 14 निकालोगे तो कितना बचेगा -10। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। बोलो अब इसको किस में रखा जाए तो हमें m की वैल्यू मिले। तक्स इक्वेशन नंबर 3 को किस में रखा जाए तो हमें m की वैल्यू मिल जाए? सेकेंड में, फर्स्ट में। सेकेंड वाली इक्वेशन थोड़ी हार्ड है, उसमें कोफिशिएंट हार्ड है, ज्यादा फर्स्ट में। फर्स्ट है। हाँ तो हम क्या करेंगे, पुट 3 in 1, पुट 3 in 1, तो यहाँ पे 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 10। जहां पे n होगा वहां पे क्या करेंगे हम, -10 रखेंगे, इज इक्वल टू 10 आ गया। अब 2m -30 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने। 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, m इज इक्वल टू 40/2, m इज इक्वल टू कितना आ गया 20। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू मिल गई कितनी, -10, और m की वैल्यू कितनी मिल गई 20। अच्छा ध्वनि बताएगी, ध्वनि क्या हमें क्वेश्चन में m और n की वैल्यू ढूंढने के लिए बोला था या x और y की वैल्यू ढूंढने के लिए बोला था? ध्वनि क्वेश्चन में x और y था या m और n था? प्रिंस सर, क्वेश्चन में क्या बोला था, x और y की वैल्यू ढूंढने के लिए बोला था या m और n की वैल्यू ढूंढने के लिए बोला था? एम और एन की नहीं, क्वेश्चन में तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसमें तो m और n है ही नहीं, हमने तो कुछ और ही ढूंढ लिया। श्रद्धा, श्रद्धा यस सर, क्या ढूंढना था हमें, एम और एन ढूंढना था या एक्स और वाई ढूंढना था? एक्स और वाई। तो हमने तो एम और एन ढूंढ लिया, अब तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि एम एम की वैल्यू से एक्स मिल जाए और एन की वैल्यू से वाई मिल जाए, ऐसा कुछ किया जा सकता है? देखो आपने पहले ही यहां से कुछ बनाया था, देखो वापस इसके ऊपर आते हैं, आपने पहले कुछ किया था यहाँ पे, देखो आपने 1/x को क्या माना था, एम एम माना था, और 1/y को क्या माना था आपने, एन माना था, एम ठीक है? तो यहां पे मैं देख क्या लिख रहा हूं लास्ट में, मैंने एन को क्या माना था, एन इज इक्वल टू मेरा 1/y था और m इज इक्वल टू 1/x था, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए माना था ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। बट n की वैल्यू कितनी है, -10, और m की वैल्यू कितनी है 20। तो आप क्या करो, इसको यहाँ पे भेज दो और इसको यहाँ पे भेज दो, तो क्या हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू x आ गया आपके पास, और आप इसको यहाँ पे भेज दो और इसको यहाँ पे भेज दो, तो 1/-10 इज इक्वल टू क्या आ गया y आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक स्टेप नया ऐड कर देना है। देखो ये वाला स्टेप नया आया आपके लिए,
जो आपने अभी तक नहीं किया था। एक स्टेप ये नया है और एक ये वाला स्टेप नया है, जहाँ पे आपको एम और एन की वैल्यू डिसाइड करनी है। देखो ये वाला स्टेप नया है, बाकी आपने सारा कुछ किया हुआ है, अभी तक कुछ नई नई है आपके लिए चीज़। बराबर, एक और क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ आपको, चलो एक और क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ, ताकि अगर कुछ छूट गया होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा तो समझ में आ जाएगा। ओके अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा लिखने का तरीका हम चेंज करेंगे। 4 × 1/x + 2 × 1/y = 6 लिख दिया मैंने, और इसको भी मैं लिख रहा हूँ 2 × 1/x + 4 × 1/y = 2 लिख दिया। ओके अब हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि चलो मान लिया ये हमारा m है, आप चाहो तो इसको a मान सकते हो, b मान सकते हो, y मान सकते हो, x मान, आपको x और y नहीं मानना है क्योंकि x और y तो यहाँ पे मौजूद है, तो x और y के अलावा कुछ मान सकते हो आप। अगर आपने m और n यहां पे लिया है तो आपको यहां पे भी m और n लेना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 4m + 2n = 6, और यहां पे मैंने लिख दिया 2m + 4n = 2। ये इक्वेशन वन हो गई, इक्वेशन वन हो गई, और ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर टू हो गया। अच्छा खुशी बताएगी, खुशी कौन सी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, खुशी खुशी? यस सर। कौन सी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए? इक्वेशन, मुझे इनको इक्वल करना है, एम को हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है। यस, तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना, 4 को इससे और 2 को इससे। हाँ, तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा ना। यस, यहाँ पे 4 है ही पहले से, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं। यस और नो? यस। ओके ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4m + 2n = 6, और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 4m + 8n = 4। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस 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 और प्लस, बाहर से हमने माइनस कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये गया। यहाँ पे 2n में से 8n निकालेंगे तो कितना बचेगा, -6n, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 / -6
ये हो गया 1/3, एन इज़ इक्वल टू कितना आ गया, -1/3 आ गया। इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारी। शिवांग, इक्वेशन नंबर 3 को किसमें रखें? शिवांग, यस सर। इक्वेशन नंबर 3 को किसमें रखें? सेकंड। सेकेंड में। अच्छा ओके, हाँ बराबर है, सेकेंड में। तो 2m+4n इज इक्वल टू 2 था, वैल्यू रखाओ जल्दी से सिवा। 2m+4 इनटू 1/-1/3 इज फोर इक्वल्स टू इनटू माइनस 1/3। -1/3 इज इक्वल टू 2। ये 3 किसके पास जाएगा? इक्वल टू 2m। ये हो गया 6m प्लस, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये हो गया -4 इज इक्वल टू, ये 3 इसके पास भी गया, मतलब ये हो गया 6। इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, 6+4, 6m इज इक्वल टू कितना, 10। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/6। रिड्यूस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 5/3। तो ये आ गई हमारी m की वैल्यू। तो सर हाँ वो 3 है, वो 2m के पास क्यों, 4 के पास नहीं जाएगा? 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वो 3 मल्टीप्लाई के पास नहीं जाएगा। आ गया समझ में? सर ओके। क्या यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया? क्या हमें एन और एम की वैल्यू ढूंढनी थी या एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी थी? हमारा मेन गोल क्या था शिवांग? एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो अब क्या करें, एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ से लाएं? एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ से लाएं शिवांग बताओ? हमने क्या माना था हम इज क्वेश्चन इक्वल्स क्वेश्चन में। में देखो क्या माना था हमने, एज्यूम क्या किया था कि जो 1/x है उसको हमने m बोल दिया था, और 1/y है उसको हमने n बोल दिया था। तो हम वापस क्या करेंगे, m की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास m कितना आया, m इज इक्वल टू 5/3 है, बट हमने m क्या माना था, m किसके बराबर था, 1/x के बराबर था। m की वैल्यू 1/x के बराबर थी, और हमारा n कितना आया, n इज इक्वल टू -1/3 था, बट हमने m को क्या, n को क्या एज्यूम किया था, 1/y एज्यूम किया था। अब y की वैल्यू कैसे निकालें, तो आप क्या कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 3। आपको x की वैल्यू चाहिए तो ये 5 को नीचे लेके जाओ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5। देखो आपको x की वैल्यू मिल गई, इसको भी क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, -1 × y -y, 3 × 1 3। ये माइनस की साइन आप इसको दे दो 3 को, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इस तरीके से आप क्या करो, पहले 1/x को आप m मान लो, फिर आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, वापस आप क्या करो m को 1/x रख दो। आपको ऐसे गोल गोल घूमना पड़ेगा थोड़ा सा, तो फाइनली आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू मिल जाएगी। ये मेथड इजी है, मतलब कुछ नया नहीं है, आपको सिर्फ ये स्टेप नया सीखना है।
ये वाला स्टेप नया है आपके लिए, और ये स्टार्टिंग में ये वाला स्टेप करते हैं हम, यहाँ पे ये वाला स्टेप आपके लिए नया है बस, बाकी आपने सारी बातें सीख ली हैं। और ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसमें मेथड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए बोर्ड एग्जाम के अंदर सेक्शन डी में ये 4 मार्क आराम से कवर कर लेता है क्वेश्चन, ठीक है। आखिरी सम मैं करूँगा, उसके बाद हम बच्चों के ऊपर, बच्चों को छोड़ देंगे सम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू, छोटी वैल्यू रखते हैं 1, और यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। चलो कितने बच्चे आ चुके हैं, तक्ष बताएगा सबसे पहले। अच्छा जेबा भी है, जेबा जेबा बता रही है, जेबा भी आ गई, चलो क्लास में। जेबा इसको कैसे लिखें? जेबा सुन पा रहे हो? लिखने का तरीका कैसे लिखें इसको हम? टू इंटू वन बाय वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे इसको कैसे लिखें हम? 3 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू 1 बाय वाई इज इक्वल टू 10। आगे का स्टेप तक बताएगा। वो m और n को एज्यूम करने का, m और n को एज्यूम करने का। अच्छा चलो एज्यूम कर लिया हमने, यहाँ पे लिख दिया हमने m और यहाँ पे लिख दिया हमने n। ध्यान रखना है x वाले को m देना है और y वाले को n। ओके श्रद्धा बताएगी, श्रद्धा अब क्वेश्चन कैसे, अब कैसे लिख सकते हैं हम क्वेश्चन को? 4m plus 2n is equal to 4. 4m plus 2n is equal to 4, और यहाँ पे 3m plus 2n is equal to 10. शिवांग? यस सर। बताओ आगे का स्टेप, किसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, या कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं, कुछ सेम है क्या इसके अंदर? हाँ सर। देखो ये वाली बात है ना, ये देखो, ये आप, मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये 2n इसमें भी है और 2n इसमें भी है, तो मतलब दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, सीधा माइनस करा देंगे तो कट हो जाएगा। तो यहाँ पे सीमा राधिका बताएगी, राधिका यस सर बोलो क्या किया जाए। तो पहले तो माइनस 3m और 2n को भी, 2n को भी माइनस करना है, और बाहर से माइनस करवाया तो ये माइनस हो गया। हाँ ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और 10 भी। हाँ, 2n हाँ, कट हो जाएगा। 2n कट हो गया। चलो 1m is equal to 6, प्लस में माइनस में? माइनस माइनस 6 माइनस 6। m की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस सिक्स। ओके राधिका, अब प्रियांशी बताओ। इक्वेशन नंबर 3 कहाँ पे रखें हम? फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर 3 फर्स्ट में रख लेते हैं।
इक्वेशन नंबर थ्री फर्स्ट में रख लेते हैं, पुट थ्री इन वन, 4m प्लस 2n इज इक्वल टू 4, तो 4 इंटू यहाँ पे क्या लिखो प्रियांशी, माइनस सिक्स प्लस 2n इज इक्वल टू 4। खुशी यस सर, सॉल्यूशन कराओ आगे का, 4 इंटू 6 प्लस 2n इज इक्वल टू 4 कितना आएगा, 4 इंटू 6 24 प्लस में माइनस में माइनस माइनस 24 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। अच्छा जेनी यस सर क्या करें हम 24 को कहाँ लेके जाएं? 4 के साइड प्लस में 24 प्लस में 24 ओके 2n इज इक्वल टू 28 तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 28 बाय 2 मतलब 40 तो यहाँ पे हमारे पास दिग्विजय बताएगा m की वैल्यू कितनी आ गई, m इज इक्वल टू आ गया माइनस 6 और n इज इक्वल टू आ गया 14। बट हमारा गोल ये नहीं था कि हम m और n की वैल्यू ढूंढे, हमें तो क्या चाहिए था, x और y चाहिए था। दिग्विजय बता रहा है क्या किया जाए, दिग्विजय ध्वनि ध्वनि श्रद्धा यस सर बताओ क्या करें आगे, हमें एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है। M is equal to 1 by 6 is equal to minus 6. 1 by x is equal to minus 6. Or n is equal to 1 by y is equal to 14. आगे बताओ, श्रद्धा आगे बताओ जल्दी से। M is equal to 1 upon minus 6 is equal to 8. Minus 6 is equal to x हो गया हमारा, ये x की वैल्यू आ गई x, और यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे इस तरीके से, तो 1 by 14 वो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रिडक्शन मेथड। देखो ये आपका स्टार लगा के चल रहे हो इसको, आप बोर्ड में इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आता है। बोलो प्रियांशी। नहीं सर वो टच हो गया। अच्छा, ये आपका 100% क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको बेसिक एकदम मेथड बताई बेसिक से, अभी इसके ऊपर थोड़े और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं वो हम कल के सेशन में करेंगे। अब कल हमारा जो होगा ना वो सारा मिक्स होगा, जिसमें हम कभी ज़रूरत पड़ेगी तो एलिमिनेशन भी लगाएंगे, ग्राफिकल भी लगाएंगे और रिडक्शन भी लगाएंगे। तो कल से अभी जो हमारा क्लास चलेगा उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बस, ठीक है। और जिसको डाउट होगा वो डाउट पूछेगा कल से मुझे, और कल से हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की मीटिंग ख़त्म करते हैं यहाँ पे। कल वापस सुबह में 7 बजे मीटिंग का लिंक भेज दूंगा, उस पर कनेक्ट हो जाना। मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड का असाइनमेंट ग्रुप में भेज दिया है, वो आप करना शुरू कर देना। साथ में मुझे 2 वीक के बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करना है आपका, तो उसके लिए आपका पहले बेस सही सही से होना चाहिए। तो मैंने आयोनिक चार्ट का कुछ भेजा हुआ है ग्रुप के अंदर, 3 पेज का PDF है, वो आपको वीक में 3 बार लिख देना है, ताकि जब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जाएं तो उस टाइम पे आपका थोड़ा सा बेसिक पक्का हो जाए, तो आपको एकदम हार्ड ना लगे केमिस्ट्री। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो आपको डेली लिखना ही लिखना है, हम 1-2 वीक के बाद या 3 वीक के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो फिर
मीटिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल वापस 7 बजे मिलेंगे। मीटिंग लिंक आईडी आ जाएगी ग्रुप के अंदर, आप कनेक्ट हो जाना। और सारे जो लेक्चर्स यहाँ पे चल रहे हैं वो यूट्यूब के ऊपर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच।